नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार लगाए हुए थे, वहां पर छात्रों का मुद्दा पहुंच गया और नीतीश कुमार हैरान हो गए। नीतीश कुमार सोच में पड़ गए थे। दरअसल जब छात्र कोई सवाल पूछ देता है तो अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि छात्र अपनी समस्याओं से जूझ रहा होता है। एक ऐसा ही स्टूडेंट आज जनता दरबार में पहुंचा, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का। दरअसल छात्र ने 2020 में ही प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो 2022 में भी वह प्रथम वर्ष में ही है। इसी मुद्दे को लेकर वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच गया और उन्होंने अपनी समस्या रख दी। नीतीश कुमार हैरान थे और उस वक्त शायद उनको बिहार के ही भाजपा विधायक हरिभूषण बाचौल कि वह बात याद आ गई होगी, जब उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध कर रहे छात्रों से कह दिया था कि हम लोग तो मिथिला यूनिवर्सिटी में या मिथिला में 6 साल में बीए की डिग्री देते हैं, यहाँ तो 4 साल में हम ट्रेंड कर देंगे। सबसे पहले आप यह सुन लीजिए कि नीतीश कुमार के साथ उस छात्र की क्या बातचीत हुई। सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार, मैं कैमूर जिला का निवासी हूँ। सर, मैं बीए पार्ट 1 का छात्र हूँ। मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में पढ़ता हूँ। सर, अभी तक मेरा 2020 में एडमिशन है और पार्ट 1 का एग्जाम होने पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। सर, जब एक सेशन को पूरा करने में सर 2 साल का समय लगेगा, तो फिर जो तीन ईयर का बीए होता है वो 6 साल में हो जाएगा। इससे सर हम बच्चों का सर टाइम बर्बाद होता है। सर, अर्थव्यवस्था जिनका कमजोर है वो बच्चे आगे की पढ़ाई छोड़ देते हैं। सर, तो सुना आपने, सेशन लेट का मुद्दा है कि लगातार साल दर साल बिहार में एजुकेशन सिस्टम जो है गड़बड़ होता जा रहा है। यहाँ पर चीज़ें दुरुस्त तो नहीं हो रही हैं। बार बार शिक्षा मंत्री को जाना पड़ रहा है राजभवन में यह कहने के लिए कि तमाम यूनिवर्सिटी से कहिए कि कम से कम कैलेंडर जारी कर दें और ससमय परीक्षा हो, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन में दाखिला लेगा 3 साल के बजाय 6 साल में उसकी डिग्री पूरी होगी, जैसा कि इस छात्र के केस में है कि इस लड़के ने कहा कि 2020 में मैं प्रथम वर्ष में, 2022 में अगर मेरा रिजल्ट आएगा तो मतलब मेरा फर्स्ट ईयर जो है वो 2 साल का हो जाएगा, यानी 3 साल का कोर्स 6 साल में पूरा होगा। इसी समस्या से अगर ये बातों को हम लोग जोड़ते हैं और नीतीश कुमार को अगर वाकई में हरिभूषण बाचौल की वो बात याद आई होगी कि बिहार के एजुकेशन सिस्टम पर कैसे हरिभूषण बाचौल ने चोट कर दिया था, भले ही वह अग्निपथ योजना पर पक्ष रख रहे थे लेकिन उन्होंने बिहार की सच्चाई बता दी। उन्होंने क्या कुछ कहा था एक बार जरा वो भी सुन लीजिए। यहाँ सर देख के सौदा होता है, शपथ लिया जाता है जो हम मरेंगे, लेकिन यहाँ सुख सुविधा और जो खोजना चाहते हैं वैसे लोगों को सेना में आवश्यकता नहीं है। हम एक मौका दे रहे हैं, 6 साल में मिथिला यूनिवर्सिटी में बीए की डिग्री मिलती है, हम 4 साल में ट्रेंड भी करेंगे, पैसा भी देंगे। यहाँ तो आईटीआई का डिग्री लोग खरीदता है, इंजीनियरिंग का डिग्री डोनेशन दे करके लोग जाते हैं। मैं ट्रेंड भी करूँगा, पैसा भी दूंगा, अन्य रोजगार में रिजर्वेशन भी दूंगा। इतने सुंदर व्यवस्था पर अगर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो फिर ये तो डिस्कशन का बात है। तो सुना आपने, हरिभूषण बाचौल का कहना है कि देश सेवा में आए हैं, यहाँ पर तो मिथिला में 6 साल में हम लोग बीए की डिग्री देते हैं और यहाँ पर 4 साल में हम लोगों को ट्रेंड करेंगे। बात यह है कि बुनियादी शिक्षा व्यवस्था ही हमारी गड़बड़ होगी, तो आगे आप कितना भी ट्रेंड कर लेंगे हम कितना स्किल्ड हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए यह निश्चित ही टेंशन देने जैसा मामला है कि आखिर उनके ही बिहार के स्टूडेंट, जिनके लिए वो इतना कर रहे हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजना, 39,000 करोड़ का शिक्षा बजट, ये तमाम चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, उसके बावजूद बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सेशन लेट होता दिखाई पड़ रहा है। 3 साल की डिग्री 6 साल में, 5 साल में मिल रही है। मगध यूनिवर्सिटी की वैसे ही ख़राब स्थिति है। तो ऐसे में आप देखते जाएंगे तो तमाम विश्वविद्यालयों में कमोबेश स्थिति ऐसी ही हो रखी है। छात्र अब आंदोलन करने लगे हैं, कई लोग छात्र नेता दिलीप को याद करते हैं कि कम से कम इंसाफ दिला दीजिए, हमें अपनी डिग्री तो मिल जाए, हम ग्रेजुएशन तो कम्प्लीट कर लेंगे।
ये परिस्थिति बिहार में हो रखी है। और जब आज नीतीश कुमार के सामने वह लड़का बैठा और उसने यह सवाल किया तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से भी एक बार पूछना ही होगा कि आखिर बिहार में एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब क्यों है, चाहे स्कूली शिक्षा हो या फिर कॉलेज की शिक्षा हो। हालाँकि कॉलेज की शिक्षा में शिक्षा विभाग से ज़्यादा जो है इसमें जो ताल्लुकात वो सीधे सीधे राजभवन का होता है, कुलाधिपति वहाँ होते हैं, वही तय करते हैं। और वहाँ पर से ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर राजभवन से ही आरोप लग रहे हैं ऐसे कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं, यूनिवर्सिटी में जो वीसी जो आ रहे हैं वो पैसे दे करके आ रहे हैं, ये पैसों का खेल होने लगा है, जिस वजह से हर कोई निश्चिंत है कि अगर वो पैसे देकर आए हैं तो फिर किस बात का डर होगा। सेशन लेट हो तो हो, बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो जाए तो हो जाए, लेकिन यहाँ पर किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगता है। ऐसे में आज नीतीश कुमार को ज़रूर यह टेंशन हुआ होगा कि आखिर कोई छात्र सामने से आकर के यह समस्या रख रहा है तो इसका निदान क्या होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।